चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आज यहाँ का किसान खुशहाल है पूरी देश चौधरी अजीत सिंह की है, क्योंकि प्रत्येक 15 किलोमीटर पर अगर मील लगा है ये भी चौधरी अजीत सिंह की देन है। आरएलडी के मेन नेता हैं वो खुद युवा हैं और युवा सोच के साथ आए हैं। कोई भी काम लागू कर देती है उसकी व्यवस्था कुछ भी नहीं करती। सरकार के हर फैसले के पीछे पूर्व से स्थापित परंपराएं हैं, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, कायदे हैं, नियम है, संविधान है। चौधरी साल में पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, मजदूर की लड़ी, किसान की लड़ी, मजलूम की लड़ी। ये आज अगर जिला मुजफ्फरनगर आज यहाँ का किसान खुशहाल है वो भी देन चौधरी अजीत सिंह की है, क्योंकि प्रत्येक 15 किलोमीटर पर अगर मील लगा है ये भी चौधरी अजीत सिंह की देन है, ये राष्ट्रीय लोक दल की देन है। चौधरी साहब, हम आप लोगों से कह देना चाहते हैं, यदि अखिलेश क्षेत्र की नस्ल और फसल बचाना चाहते हो तो राष्ट्रीय लोक दल के झंडे के जो भी टिकट तारती होगा हम उसे जिताने का काम करेंगे। धन से, बल से, गन से, हर चीज से सहयोग करेंगे। यहाँ पे मुजफ्फरनगर में 9 विधानसभा है, जिसमें से 2022 में 7 विधानसभा गठबंधन ने जीती है, 2 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, सदर और खतौली। इनमें से एक रह जाएगा सदर पे, हो सकता है उसे भी उतारने का प्रयास करें, और 9 की 9 विधानसभा राष्ट्रीय लोकदल के खत्ते में जाने वाली है। और रही विक्रम सैनी की बात, इन्होंने अपने कार्यकाल में अभी तक कुछ नहीं किया, किसी गांव में आना जाना नहीं रहा और इनका बहुत विरोध रहा। ये जो इन्हें सदस्यता ख़त्म हुई है, बहुत ठीक काम हुआ है, इन्होंने गलत काम किया था, भड़काऊ भाषण दिया था और उसकी इन्हें सजा मिली है और ये मिलनी भी चाहिए। लोग बहुत समझदार हो गए हैं, जिसके नाम पे इन्होंने गौरव चौधरी के जो कवाल कांड हुआ था उसके नाम पे इन्होंने वोट मांगी और इन्हें उसका बहुत फ़ायदा मिला। लेकिन अब गौरव चौधरी के इनके पिताजी ने ही स्टेटमेंट दे दिया है, न्यूज़ में चल रहा है कि इन्होंने हमारे नाम पे वोट मांगी है। वो तो ये कह रहे हैं हम खुद चुनाव लड़ेंगे, इन्होंने हमारा नाम लेके वोट मांगी है, हम खुद अपनी वोट खुद मांग लेंगे। आरएलडी के मेन नेता हैं वो खुद युवा हैं और युवा सोच के साथ आए हैं, तो वो चेंज चाहते हैं कि सरकार आए और चेंज आए, और जो युवा हैं यहाँ पर जिनको नौकरी नहीं है क्षेत्र में, और विकास होना चाहिए, सड़कों का बुरा हाल है। आर्मी में जो लड़के हैं लड़कियां लिए जाते हैं 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, उसके बाद में ना तो वहाँ पर पेंशन है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर उनको मेंटली जो है दिमागी तौर पर वो ख़राब हो जाता है, उनका माहौल, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। आगे यहाँ की आर्मी जो है, आर्मी का जो पुराना हिसाब किताब है कि एंड तक आपको पेंशन मिलनी है, वो ख़त्म करके आप युवाओं का क्या भविष्य खराब करना चाहते हो? 18-20 साल का लड़का जाएगा, उसे कुछ पता ही नहीं है, उसे शहीद करार देकर क्या लपेट के झंडे में घर पे दे जाओगे? सबसे बड़ी ये है इस सरकार की कि कोई भी काम लागू कर देती है उसकी व्यवस्था कुछ भी नहीं करती, कोई व्यवस्था नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि बेहद 90% बेरोजगारी है इस टाइम। युवा सारे भटक रहे हैं, जो युवा हैं जिन्हें काम नहीं मिल रहा वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, क्या करेगा? इन्होंने जो वो सेना भर्ती की योजना लाए, उसके आने के बाद उसका भविष्य कैसे होगा? बिल्कुल, क्या वो पकौड़े तलेंगे, क्या करेंगे भविष्य? बिल्कुल आगे का यदि देखा जाए तो ये गवर्नमेंट ने भविष्य युवाओं का बिल्कुल जीरो कर दिया। ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जो देश के सबसे संपन्न जिलों में मुजफ्फरनगर की गिनती होती। क्यों होती थी? क्योंकि वो जो गाना है ना पुराना देशभक्ति का, मेरे देश की धरती, वो जो उसके बोल हैं कि सोना उगलती है धरती, वो यहीं के लिए है। उसे सुन के मुजफ्फरनगर के खेतों की याद आती है, यहाँ किसानों के जलवे की याद आती है, मजदूरों की मेहनत की, उनके पसीने की याद आती है। जो कुछ भी आपने बनाया है और खाया है, अपने बच्चों के परिवार पालन में आपने जो जुटाए हैं संसाधन, वो आपके हैं। सरकार बुलडोजर से नहीं चल सकती, सरकार के हर फैसले के पीछे
पूर्व से स्थापित परंपराएं हैं, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, कायदे हैं, नियम है, संविधान है, कानून है। और ये समय साबित हो गया जब लोग कह रहे थे नहीं नहीं सदस्यता नहीं जाती, जब कोर्ट का निर्णय आ जाता है तब सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती। अब दोष का सवाल नहीं रह गया, दोष के सवाल पे ना मुझे कुछ कहना है ना आपका कुछ कहना है, अब हमें आगे की ओर देखना है और झूठ और नफरत की राजनीति करने वालों को जवाब देना है, जो इस चुनाव में भी आके कहेंगे कि याद रखना 2013, नहीं हम नहीं याद रखना चाहते, हम भुला देना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम तरक्की के रास्ते पे चलना चाहते हैं। ये मौका बार बार किसी को मिलता नहीं है, ये आपको विशेष मौका मिल रहा है और पूरे प्रदेश और देश की जनता की निगाहें होंगी कि खतौली की जनता ने आपने क्या निर्णय लिया।